Hello dear students, welcome to the next part of the lecture series from aldehydes, ketones and carboxylic acids. So जो हमने first part किया था aldehydes, ketones, carboxylic acid, उसमें मैंने आपको brief introduction दिया था in lecture first. So आज second lecture में हम देखेंगे सीधे methods of preparation. What are the methods involved for preparation of aldehydes? क्या aldehydes को prepare करने के लिए कौन से methods आप use करते हो? Clear? So in these methods of preparation we have a few important reactions, named reactions है हमारे पास, such as we have Rosenmund's reduction or Rosenmund's reaction. क्लियर. वी हैव स्टीफन रिएक्शन. कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो मैं आपको बताऊं यहां पे, स्टीफन रिएक्शन, वी हैव इटार्ड रिएक्शन. सो दीज ऑल रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है. वी हैव वन मोर रिएक्शन दैट्स कॉल्ड एज गैटरमैन कॉच रिएक्शन. सो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स. सो सीधे आते हम आज के पॉइंट पे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर दिस aldehydes. सो इन टोटल वी हैव 5 और 6 मेथड्स. ठीक है, 5-6 मेथड है हमारे पास. वी विल ट्राई एंड गो थ्रू देम ताकि हम इस चीज़ को क्लियर करें कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है. बाद में प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह आ जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आ जाएगा, केनिजारो रिएक्शन आ जाएगी, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन आ जाएगी. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. सो अगर आपने इंट्रोडक्शन में जो इसका पहला वीडियो बना हुआ है वो नहीं देखा है, गो थ्रू दैट फर्स्ट. वहाँ से आपको पता चलेगा कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, देन कम टू दिस वीडियो और उसके बाद ये देखें आप. सो सिंपली आते हैं स्ट्रेट अवे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो हमारे पास 2-4 मेथड्स हैं. नंबर फर्स्ट जो है रोजनमंड्स रिडक्शन हम करेंगे, लेकिन ये कहाँ पर लगता है? पहली वाली प्रिपरेशन जो हम करेंगे वो करेंगे हम फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स और these are called as acyl chlorides or acyl chlorides. So पहले जो preparation करेंगे हम aldehydes की, we will prepare by these methods. एक तो aromatic aldehyde भी करेंगे, open chain aldehydes की भी preparation करेंगे. Aromatic means जो ring के साथ CHO group लगता है, जैसे benz aldehyde आपका, ठीक है, तो उनकी preparation देखेंगे हम. साथ में यहाँ पे हम उन aldehydes की देखेंगे जो चेन के साथ CHO ग्रुप जो है अटैच होता है आपका. तो एसिड क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर होता है, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर होता है? अगर हम लेते हैं एसिड क्लोराइड्स, याद रखना बेटा, अगर हम एसिड क्लोराइड्स या एसाइल क्लोराइड्स लेते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है RCOCl. दीज आर कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड्स या अल्काइल क्लोराइड्स, या ये फॉर्मूला भी हो सकता है ARCOCl. ये जनरल फॉर्मूला है एसिड क्लोराइड्स का. अगर हम इन एसाइल क्लोराइड्स को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम एंड बेरियम सल्फेट, वी गेट aldehydes. मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं. अगर हम एसिड क्लोराइड्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक दिस कंपाउंड RCOCl. R जो है बेटा इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए. दिस इज एनी अल्काइल ग्रुप विच में बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है. सो R जो है आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है. अगर हम एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन का मतलब है H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट. जब आप ये रिएक्शन करोगे तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एसाइल क्लोराइड्स है दीज गेट कन्वर्टेड टू aldehydes. तो बेटा आपको क्या मिलता है, RCHO, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन कर दी हमने, रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस एक हाइड्रोजन बचा, एक Cl बचा, प्लस आपका बाय प्रोडक्ट आ जाएगा आपका HCl.
क्लियर। तो ये फर्स्ट मेथड है जहाँ से हमने एक अल्डिहाइड प्रिपेयर किया। अल्डिहाइड वो कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप साथ में देखोगे आप कि एक साइड R के साथ, मतलब कि कार्बन के साथ, और दूसरे साइड ऑक्सीजन, दूसरे साइड हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। जैसे इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं लिखूँ ओपन करके, दिस इज R, दिस इज H। तो जब मैंने बोला था वीडियो नंबर फर्स्ट में, जो लेक्चर फर्स्ट हुआ था, कि अगर आपका कार्बन ही कार्बन एक साइड हाइड्रोजन के साथ, दूसरे साइड R के साथ, R का मतलब इसमें कार्बन ही है, तो ये जो कंपाउंड है ये होता है आपका एल्डिहाइड। क्लियर। अब आते हैं, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देखते हैं, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देखते हैं तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे, हम लेंगे ये वाला कंपाउंड बेटा, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर। बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं हम। बेंजोइल क्लोराइड की भी जब रिडक्शन करते हो आप यूजिंग H2 और प्लेडियम बेरियम सल्फेट, ये एज कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, ये प्लेडियम और बेरियम सल्फेट, तो ये जो कंपाउंड है इट गेट्स कन्वर्टेड टू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CO ग्रुप कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CHO, और Cl बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेगा ये वाला, प्लस मिलेगा आपको HCl। ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड एज बेंज एल्डिहाइड। ये आपका बना कंपाउंड बेंज एल्डिहाइड, ये हो गया प्रिपरेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजनमंड्स रिएक्शन, या इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज रोजनमंड्स रिडक्शन। इसमें रिडक्शन करते हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज रोजनमंड्स रिडक्शन। क्लियर। ये हो गया आपका प्रिपरेशन जो है फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन के लिए, दिस इज रेफर्ड एज रोजनमंड्स रिडक्शन। यू कैन रिमेंबर इट एज व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इज अलाउड टू एड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम बेरियम सल्फेट, प्लेडियम डिपॉजिटेड ओवर बेरियम सल्फेट, वी गेट बेंज एल्डिहाइड। द रिएक्शन इज नोन एज रोजनमंड्स रिडक्शन। क्लियर। ये रिएक्शन होती है बेटा आपकी रोजनमंड्स रिडक्शन। सीधे आते हैं सेकेंड जो है हमारे पास, जो सेकेंड मेथड है दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आपको पता होने चाहिए कौन से कंपाउंड्स होते हैं। सो जो सेकेंड मेथड है आपको, जो प्रिपेयर करेंगे हम एल्डिहाइड्स को, वो करेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स नाइट्राइल्स से प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको बताता हूँ नाइट्राइल्स क्या होते हैं, ठीक है। नाइट्राइल्स और इसमें एस्टर्स से भी कर सकते हो, पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे नाइट्राइल्स से। नाइट्राइल्स कंपाउंड्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है ये वाला ग्रुप CN, जिसे आप साइनाइड ग्रुप भी बोलते हो। सो ये आपके पास हो गया, दिस इज अल्काइल और इसके बदले लगेगा नाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल नाइट्राइल। तो इन कंपाउंड से देखना है हमने प्रिपरेशन करनी है किसकी, बेंज एल्डिहाइड की, या सॉरी एल्डिहाइड्स की। नाइट्राइल्स से प्रिपरेशन करेंगे हम एल्डिहाइड्स की। तो अगर हम नाइट्राइल्स को, याद रखना बेटा ये जो रिएक्शन है इसका नाम बताता हूं मैं आपको, यहां पे जो रिएक्शन करेंगे हम दैट विल बी कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन। अगर हम नाइट्राइल्स को रिएक्ट करते हैं स्टेनस क्लोराइड के साथ, इफ नाइट्राइल्स आर अलाउड टू रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड होता है बेटा टिन का क्लोराइड SnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये जो नाइट्राइल्स है दीज आर कन्वर्टेड इनटू अमाइंस, अमाइंस IMINES, अमाइंस, देन अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। मैंने जो बोला आपको इस चीज की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम नाइट्राइल्स को, ये हो गया आपका बेटा नाइट्राइल, अगर हम नाइट्राइल्स को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, वी गेट अमाइंस, हमें मिलते हैं कंपाउंड जिन्हें हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड एज अमाइंस, RCH डबल बॉन्ड NH।
ये याद रखना बेटा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये. अगर हम नाइट्राइल्स की, नाइट्राइल समझ गए आप, नाइट्राइल वो कंपाउंड जिनमें साइनाइड ग्रुप सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो अगर आप नाइट्राइल्स की रिएक्शन करते हो स्टेनस क्लोराइड के साथ, आई एम राइटिंग डाउन इट्स नेम, इट इज स्टेनस क्लोराइड. तो जब आप स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दीज आर कन्वर्टेड इंटू अमाइंस, इमीन्स बोलते हैं कई बार इनको हम, तो कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन बनता है. अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस मीन्स H3O पॉजिटिव, हाइड्रो ब्रेक डाउन कर रहे हैं आपने, ठीक है ना. अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको कंपाउंड मिलता है बेटा एल्डिहाइड RCHO, RCHO इसमें से ऐड होगा, वाटर बाहर जाएगा साथ में इस ग्रुप को भी ले जाएगा. इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव अगर आप करोगे तो आपको अमोनिया भी मिल जाएगा एज बाई प्रोडक्ट, बट वी डू नॉट शो बाई प्रोडक्ट्स आउट हियर. तो आपको यहाँ पे जो कंपाउंड मिला वो है आपका एल्डिहाइड. सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि नाइट्राइल्स से जब हम प्रिपरेशन करते हैं, नाइट्राइल्स इफ़ अलाउड टू रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl आर कन्वर्टेड इंटू इमीन्स, इमीन्स में कन्वर्जन होता है, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस आर कन्वर्टेड इंटू एल्डिहाइड्स, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके ये एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं. क्लियर? सो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर रिएक्शन. द रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर पर्टिकुलर हम स्टेनस क्लोराइड को यूज़ करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो है मेथड आपका, वो करेंगे हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में से पर्टिकुलरली हम क्या लेंगे, कंपाउंड्स, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन्स से जो प्रिपरेशन होगी तीन से करेंगे हम, एक की एसाइल क्लोराइड से, दूसरा हो गया आपका नाइट्राइल्स, तीसरा हो गया हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, इन हाइड्रोकार्बन्स से हम दो तीन मेथड्स लगा सकते हैं, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड या क्रोमियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शंस होती है. सो दो नेम्ड रिएक्शंस हमने अभी तक पढ़ी. इसके बाद जो थर्ड है हाइड्रोकार्बन से ही, इसमें गैडरमैन पॉज रिएक्शन आपकी आ जाएगी, ये वाली गैडरमैन पॉज रिएक्शन और एटार्ड रिएक्शन जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन से. सो दो मेथड्स कर दिए, अभी लास्ट मेथड रह रहा है इनकी प्रिपरेशन का. सो थर्ड जो मेथड है आपका किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से जब हम प्रिपरेशन करते हैं इनकी एल्डिहाइड्स की, वी ऑलवेज गेट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स में से हम जो कंपाउंड लेंगे या तो बेंजीन से करेंगे या करेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. अगर बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूशन हुई है जैसे टॉलवीन है, वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो सिंपल सी ट्रेंड एक है, अगर हम एक मेथड में बताता हूं आपको, अगर हम टॉलवीन, हाइड्रोकार्बन्स में दो तीन चार पार्ट्स हैं, इसमें ए देखेंगे हम फ्रॉम टॉलवीन, फ्रॉम टॉलवीन. टॉलवीन क्या होता है बेटा, आपके बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, दिस इज टॉलवीन. अगर हम टॉलवीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है, वो स्पीशीज होता है विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड रिमूव्स हाइड्रोजन, जैसे KMnO4 आपका है, नाइट्रिक एसिड आपका है, दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो अगर हम टॉलवीन की रिएक्शन KMnO4 से करते हैं, KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस विल प्रोवाइड ऑक्सीजन नेसेंट इफ रिक्वायर्ड. अगर इसको सिंगल ऑक्सीजन चाहिए, रिक्वायरमेंट होगी, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है. अगर हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं टॉलवीन की, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू बेंज एल्डिहाइड. ये क्या करेगा बेटा, KMnO4 यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, H2 को रिमूव करेगा. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स कॉल्ड एज
ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन की एडिशन से क्या बना आपको कंपाउंड मिला, पेंटाल्डिहाइड। सो ये हो गया हाइड्रोकार्बन से जब हमने की टॉलवीन की ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4। नंबर सेकेंड, दूसरा क्या है हम यूज करेंगे इस रिएक्शन में, क्रोमाइल क्लोराइड बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड बेटा ये वाला कंपाउंड है CrO2Cl2, ठीक है। और जब हम क्रोमाइल क्लोराइड से करेंगे इसी रिएक्शन का नाम पड़ेगा आपका इटार्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है दिस इज नेम्ड रिएक्शन रेफर टू एज इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सच एज टॉलवीन, अगर हम यहां पे करें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को रिएक्ट करवाना हमने क्रोमाइल क्लोराइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वी विल गेट बेंजाल्डिहाइड, हमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो जब हम देखते हैं इस रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगी हमने लेना है, क्योंकि बेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, वो भी यहाँ पे हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है विचार एरोमेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने लिया ये कंपाउंड जिसे आप नाम देते हो टॉलवीन। जब आप टॉलवीन की रिएक्शन करते हो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2, ध्यान रखना क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब हम टॉलवीन की रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो हमें एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये जो सारा कम्प्लेक्स है क्रोमाइल क्लोराइड का कम्प्लेक्स इसी पोजिशन पे अटैच होगा, तो आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिलेगा, ये वाला इंटरमीडिएट यहाँ पे अटैच होगा CH, ठीक है। तो हमने क्या किया CH, अभी दो एच इसके हमने फिलहाल बाहर रख दिए। अब CrO2 को मैं लिख सकता हूँ OCrO, मतलब हो गया CrO2, समझा रहे हैं आपको। सो हमने लिया टॉलवीन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन की, तो क्रोमाइल क्लोराइड ऐड कहाँ हुआ, यहाँ से CH, ध्यान रखना क्रोमाइल क्लोराइड इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो हमने लिखा CH, इसके दो हाइड्रोजन मैंने फिलहाल मान लो यहाँ पे रखे हुए अलग से निकाल के, CrO2Cl2, तो मैंने CR भी लिखा यहाँ O2 भी लिखा, अब क्या बचे दो Cl और दो H, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे HCl2, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इंटरमीडिएट। अगर इसके बाद इस इंटरमीडिएट की आप हाइड्रोलिसिस करते हो H3O+2, हाइड्रोलिसिस करनी है ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ, या ब्रेक डाउन करना है वाटर का, ठीक है, अपॉन हीटिंग, तो जब आप ये रिएक्शन यहाँ पे करोगे ये जो सारा ग्रुप है ये वाला दिस विल गेट रिमूव्ड, जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे और आपको कंपाउंड मिलेगा बेटा ये वाला, दिस इज बेंज आल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है आपकी बेटा दिस इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन, क्लियर। सो मैंने यहां पे बताया आपको टॉलवीन से क्रोमाइल क्लोराइड से, ठीक है ना, इटार्ड रिएक्शन बता दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट पार्ट होगा हमारा, दैट इज बहुत सारे मेथड्स है, वी हैव साइड चेन हैलोजिनेशन भी है, सो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। अब लास्ट जो रिएक्शन आपकी दिखाऊंगा इसमें हाइड्रोकार्बन से ही है, सी पार्ट इसका, दैट इज गैटरमैन कॉच रिएक्शन। सो गैटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या देखोगे आप, अगर आप बेंजीन, इसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम नहीं लेंगे, गैटरमैन कॉच रिएक्शन में हम बेंजीन लेंगे, अगर हम बेंजीन को सीधे ही रिएक्ट करवाएं विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, अगर बेंजीन को रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट सच एज एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्यूप्रिक क्लोराइड, तो आपको जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा वो आपको एल्डिहाइड मिलता है। गैटरमैन कॉच रिएक्शन का मतलब है कि अगर हम लेंगे बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं लिया, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको टॉलवीन, ये कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है,
लेकिन जब मैं आपको गैडरमैन कॉच रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, गैडरमैन कॉच रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अगर बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट दैट इज अल्मोनियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट, जो आपका बेंजीन है इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्डिहाइड, ये बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, द रिएक्शन इज नोन एज गैडरमैन कॉच रिएक्शन। सो इस रिएक्शन का नाम क्या है, गैडरमैन कॉच रिएक्शन। सो इसमें एक और चीज भी है, एक और मेथड भी है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन की जाती है बाय साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, वो भी है इसमें मेथड एक प्रिपरेशन का। सो आपने तीन ही मेथड्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, एक जो हमने किया एसाइल क्लोराइड से जिसे हमने नाम दिया रोजनमेंट्स रिडक्शन, दूसरा हमने क्या किया फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल से किया जिसका नाम हमने क्या रखा स्टीफन रिएक्शन थी वो, ठीक है। थर्ड हमने किया बाय यूजिंग ब्रोमाइल क्लोराइड हाइड्रोकार्बन से, जब हम ब्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड रिएक्शन, और लास्ट पे गैडरमैन कॉच रिएक्शन जब हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड कैटलिस्ट सच एज अल्मोनियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, तो आपको क्या मिलता है बेंजाल्डिहाइड। दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज एल्डिहाइड्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। थैंक यू सो मच।